तो भाई लोग स्वागत है आप सबका मेरे और एक वीडियो में। तो आज के वीडियो में रिव्यू करने वाला कल सोनी मैक्स पे रिलीज़ वाली मूवी एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया का, जिसका हिंदी डब टाइटल रखा गया एजेंट साई। और इस मूवी में आपको लीड रोल में दिखाई देंगे नवीन, पोलिशेट्टी, सुवास, श्रुति शर्मा और संदीप राज। वही संदीप राज है जिन्होंने कलर फोटो मूवी को डायरेक्ट किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो मूवी की कहानी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। मूवी की कहानी बेस्ड है एक ऐसे एजेंट के ऊपर जो कि ओंगल में रहता है और उसको कुछ ऐसा यूनिक केस चाहिए होता है और उसे ऐसा यूनिक केस मिलता है और उसी के ऊपर पूरी कहानी बेस्ड है, जिसमें पता चलता है कि कुछ ऐसी बॉडीज़ है जिनको किसी ने भी आइडेंटिफाई नहीं किया और ऐसी वो बॉडीज़ है जिसको कोई भी पहचाना नहीं चाहता। ऐसे बॉडीज़ के ऊपर पूरा केस उसे मिलता है और ऐसी कहानी आगे बढ़ती है। बात करते हैं मूवी के प्लस और माइनस पॉइंट के बारे में। तो मूवी में सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है, मूवी में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मूवी का डायरेक्शन और मूवी का स्क्रीन प्ले है ना, वो खुद नवीन सर ने और स्वरूप सर ने लिखा है। तो मूवी के स्क्रीन प्ले में कोई भी कमी नहीं है, कॉमेडी अच्छी है मूवी की स्क्रीन प्ले में भी। और जो कैरेक्टर है ना, जो एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया का कैरेक्टर है ना, उसे जो नवीन पोलिशेट्टी ने निभाया ना, वो बहुत ही यूनिक तरीके से निभाया और बहुत ही अच्छा दिखता है उनके ऊपर कैरेक्टर। अगर इसका रीमेक भी बनता है, अगर कोई और अच्छा एक्टर इस मूवी में एक्ट करता है तो उससे अच्छा कैरेक्टर है ना कोई भी निभा नहीं सकता। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह इस कैरेक्टर को निभाया है और मेरे दिल के करीब है वो कैरेक्टर। अब बात करते हैं मूवी के और एक प्लस पॉइंट के बारे में। तो मूवी में जो कहानी है ना, वो ऐसी कहानी है कि सस्पेंस थ्रिलर कहानी है और मूवी में थ्रिल भी अच्छा है। और जो मूवी को अलग टच दिया है ना, वो है कॉमेडी का, और कॉमेडी का अलग ही उन्होंने तड़का मारा है। और जो हर एक डायलॉग बोलते हैं ना नवीन सर, वो बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने बोले, बहुत ही अच्छी तरह एकदम गुजबम्स आते हैं जब वो हर एक डायलॉग बोलते हैं। और कॉमेडी अच्छी है और स्क्रीन प्ले तो अच्छा है ये। और जो सस्पेंस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एंडिंग में जाके वो खुलता है, जो कि बहुत ऐसे अचानक जाके सस्पेंस खुला है जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि पूरी मूवी देखने के बाद अगर आप एंडिंग में जाते हो तो एंडिंग में आपको ऐसा लगेगा कि मूवी में आप कुछ नहीं रहा, लेकिन जो सस्पेंस है ना, वो बहुत ही यूनिक तरीके से उन्हें दिखाया है। अब बात करते हैं मूवी के माइनस पॉइंट के बारे में। तो मूवी में कोई भी माइनस पॉइंट नहीं है, मूवी बहुत ही अच्छी है, मूवी का डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, कॉमेडी सीन अच्छे है। और जो मूवी में तो कोई गाना नहीं है, लेकिन एक शायद रैप सॉन्ग है जब एंट्री होती है नवीन और श्रुति शर्मा की, तो रैप सॉन्ग भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन हिंदी डब में और रैप सॉन्ग नहीं होगा शायद, लेकिन अगर होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, रैप सॉन्ग होगा तो। और परफॉर्मेंस अच्छा ही है और मूवी में कुछ ज़्यादा कमी तो नहीं है। आपको इस मूवी को एक बार क्या, अगर आप इस मूवी को बहुत बार देखोगे तो मूवी आपको कहीं पर भी बोर नहीं करेगी। और हिंदी डब में शायद नवीन पोलिशेट्टी को शायद वेद सर आवाज़ दे रहे, जो कि उनके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है वो आवाज़। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, एकदम हॉलीवुड लेवल का है और उससे भी अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक मुझे लगा। और इन्वेस्टिगेशन और जो बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड में बजता है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने दिखाया है। और एक डायलॉग आता है जब वो जेल में फंसा होता है अपना एजेंट साई श्रीनिवास अथरेया, वो जो डायलॉग है ना, वो नवीन पोलिशेट्टी पे इतना ज़्यादा शूट करता है ना, वो हिंदी में सुनना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मुझे। प्रोमो में जब मैंने वो डायलॉग देखा ना, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। लेकिन मैंने इस मूवी को एक साल पहले देखा था और वो डायलॉग बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि बस मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ। अब बात करते हैं मूवी की कास्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो मूवी का कास्ट परफॉर्मेंस है ना, नवीन सर, श्रुति मैडम और बाकी सब कास्ट है ना, बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने कास्ट परफॉर्मेंस निभाया है। बेसिकली जो सुवास सर है ना, उनका भी परफॉर्मेंस मूवी में बहुत ही अच्छा है। और जो संदीप राज सर है ना, उनका एक परफॉर्मेंस भी अच्छा है, लेकिन उनका जो कैरेक्टर है ना, वो थोड़ी देर ही रहता है। तो प्लीज़ इस मूवी को आप कल रात को 8 बजे सोनी मैक्स पे जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी मूवी है। और इसके बाद इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होगा गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स यूट्यूब चैनल पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बस मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।